नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कैलाश का नया द्वार, जी हां, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को नया तोहफा मिला है। भक्ति के रास्ते पर चीन ने समझौता कर लिया है, अब आस्था के पर्वत का नया द्वार खुलेगा। अब शिव के धाम जाना आसान होगा। पूरे 60 बरस का सपना पूरा हो गया। मोदी की कोशिशों और चीन के राजीनामे के बाद ये सब हो पाया है। जिस कैलाश यात्रा के लिए एक महीने का वक्त लगता था, अब एक हफ्ते में श्रद्धालु कैलाश की परिक्रमा कर सकेंगे। हे शिव शंकर, हे करुणा। आस्था के पर्वत पर जहां साक्षात शिव विराजमान है, जी हां, इसी पवित्र पर्वत के लिए भोले भंडारी के भक्तों के लिए नया द्वार खुला है। सुनिए आस्था की जिन पगडंडियों के लिए पिछले 60 बरस से मांग हो रही थी, चीन से लगातार बातचीत हो रही थी, शिव के भक्तों की वो आराधना अब पूरी हो गई है। भव सागर से पार उतारो। जी हाँ, चीन भक्ति के नए रास्ते पर तैयार हो गया है। चीन के साथ हुआ भारत का ये समझौता बड़ा है, क्योंकि भगवान के घर पहुंचने का रास्ता आसान हुआ है। शिव भक्तों को ये तोहफा मिला है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच समझौतों की शुरुआत हुई, तो कुल 12 समझौते हुए, जिसमें एक समझौता कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रास्ते पर भी हुआ। मैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। बाईस हजार 28 फीट की ऊंचाई, हर साल हजारों शिव भक्तों का रेला। शिव के धाम की इस यात्रा के लिए भोले भंडारी के पुजारी दुर्गम पहाड़ियों और दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते आए हैं। नए रास्ते पर चीन के समझौते के बाद शिव भक्तों की ये मुश्किलें, ये तकलीफें आसान रास्ते के साथ आसान हो जाएंगी। हम आपको बताएंगे कि शिव का धाम कैलाश पर्वत और मानसरोवर यात्रा करने का ये नया रास्ता कौन सा है। हम आपको पुराने रास्ते के बारे में भी बताएंगे और समझाएंगे कि नरेंद्र मोदी की कोशिशों और चीन के राजीनामे से आस्था का ये नया रास्ता कितना आसान हो गया है। तो पहले सुन लीजिए कि अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कार से भी जा सकते हैं, तो बरसात में भी ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सुगम और सुरक्षित होगा। यानी आस्था का ये रास्ता बड़ी आपदा से भी महफूज होगा। आज तक ब्यूरो। ना पैदल का रास्ता, ना खच्चर का इस्तेमाल, अब कार से भी आप जा सकते हैं कैलाश। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा का नया रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन आसान भी है। कैलाश के इस नए रास्ते में बारिश से बिगड़ते मौसम का खतरा भी नहीं है। मोदी और जिनपिंग के समझौते ने आसान कर दी है शिव की आराधना। शिवाय ओम।
सदियों के कंधे चढ़कर भक्त आस्था में यहाँ शीश झुकाते आए हैं। साधु संत श्रद्धालु शिव के इस धाम में पुण्य कमाते आए हैं। मुश्किलों के पहाड़ चढ़कर आस्था के इस धाम को आबाद करते हैं। लेकिन अब शिव के धाम की राह आसान होगी। भोले भंडारी की चौखट तक पहुंचने के लिए भक्त अब पुराने रास्ते पर नहीं नए रास्ते पर चलेंगे। दूरियों को पार लगाकर भोले बाबा के जयकारे लगाएंगे। हम आपको बता दें कि अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दो रास्ते हैं। एक उत्तराखंड से होकर जाता है तो दूसरा नेपाल से शिव के धाम पहुंचता है। लेकिन अब नया रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाएगा, क्योंकि चीन अब इस नए रास्ते पर राजी हो गया। मैं प्रेसिडेंट शी चिनफिंग का भारत के सभी लोगों की तरफ से इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। शिव के पवित्र कैलाश पर्वत तक पहुंचने का यह रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन आसान है। इस रास्ते से बुजुर्गों को यात्रा करना आसान होगा, तो पैदल यात्रा की तकलीफ से भी श्रद्धालु बच सकेंगे। यात्रियों को सड़क मार्ग से करीब 1981 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे आप सड़क मार्ग के जरिए मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। भारतीय सीमा के सिक्किम के नाथुले दर्रे का इस्तेमाल होगा। श्रद्धालुओं को पहले सिक्किम से चीन के लासा तक करीब 430 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उसके बाद लासा से शिहात्से तक 350 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा और शिहात्से से 308 किलोमीटर दूरी पर लात्से पहुंचना होगा। लात्से से सागा तक 300 किलोमीटर दूरी तय करनी होगी। फिर सागा से प्रयांग यानी 255 किलोमीटर दूर जाना होगा। प्रयांग से होरक्यो की 223 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए भक्त होरक्यो से मानसरोवर की परिक्रमा की 115 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। धारचूला से लिपुलेख दर्रे के परंपरागत रूट का इस्तेमाल श्रद्धालु सालों से करते आए हैं, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस रास्ते पर रोक लगा दी थी। फिर 1981 में कुछ शर्तों के साथ ये रूट फिर से खोला गया। तब से अब तक इसी परंपरागत रूट से यात्रा जारी है। इन सब के बीच भारत सरकार चीन से एक और रास्ता खोलने की मांग करती रही है, और अब मोदी प्रधानमंत्री बने तो शिखर वार्ता में चीन इस रूट के लिए राजी हो गया। इस तरह मोदी ने शिव भक्तों का दिल जीत लिया। आज तक ब्यूरो। दुर्गम पहाड़ियों दुर्गम रास्तों से होकर श्रद्धालु कैलाश पर्वत पहुंचते हैं, कैलाश मानसरोवर तक पहुंचते हैं। और तो और 150 किलोमीटर का पैदल सफर भी तय करना पड़ता था भगवान शिव के धाम पहुंचने के लिए। उत्तराखंड नेपाल दो रास्ते थे दोनों जगहों से, और दोनों ही मुश्किलों से भरे हैं। अब नया रास्ता सिक्किम से वाया चीन होकर जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्। कैलाश का नया द्वार खुलते ही आस्था के दर पर शीश झुकाना आसान हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने में अभी तक जो एक महीने का वक्त लगता था, नए रूट के बाद कैलाश यात्रा की दूरी एक हफ्ते में ही तय हो जाएगी। अभी तक लोगों को उत्तराखंड और नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर तक जाना पड़ता था। इसके लिए 19,500 फीट की ऊंचाई के साथ साथ कभी खच्चरों पर तो कभी पैदल ही लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसके अलावा उत्तराखंड में आई भयंकर त्रासदी के बाद ये रास्ता काफी क्षतिग्रस्त हो गया है।
तो चलिए अब आपको उत्तराखंड के नए रास्ते को मैप के जरिए भी समझा देते हैं। अभी तक श्रद्धालु दिल्ली से उत्तराखंड के काठगोदाम होते हुए नारायण आश्रम तक गाड़ी से जाते हैं। इसके बाद 150 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। इस तरह यात्री लीपू दर्रा को पार करते हुए चीन में दाखिल होते हैं। इसके बाद तिब्बत के टकलाकोट होते हुए दीदीहाट और धारचुला से कैलाश पहुंचते हैं। इस पुराने रास्ते में कैलाश तक पहुंचने में करीब एक महीने का वक्त लगता है, जबकि नए रूट से एक हफ्ते में कैलाश तक पहुंचा जा सकेगा। पुराने रूट में नारायण आश्रम तक ही गाड़ी जाती है, जबकि नए रूट यानी कि नाथुला दर्रे से कैलाश तक कार से पहुंचा जा सकता है। मौजूदा रास्ते में 19,500 फीट की ऊंचाई है। नए रास्ते में वाहन से यात्रा करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि हर साल भारत से 1,000 तीर्थयात्री 18 जत्थों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। अब आपको नेपाल का रूट भी मैप के जरिए दिखा देते हैं। जी हाँ, यही है नेपाल के रास्ते कैलाश जाने का रास्ता। आप नक्शे पर इसे देख सकते हैं। चीन और भारत का ये समझौता खुशियों का नया कैलाश द्वार लेकर आया है। अब आस्था भी आसान होगी और रास्ता भी। आज तक ब्यूरो। सदियों से कैलाश पर्वत आस्था का पवित्र स्थल रहा है। हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर भोलेनाथ भक्तों को मोक्ष देते हैं। भगवान शिव के इस द्वार का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी है। पुराण साक्षी हैं इस बात के कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजते हैं, तभी तो कैलाश को शिव का धाम भी कहा जाता है। आस्था के इस द्वार पर हर साल श्रद्धालु भोले भंडारी के दर्शन करने पहुंचते हैं। कैलाश पर्वत समुद्र की सतह से 22,028 फीट की ऊंचाई पर है। कैलाश एक पिरामिड जैसा है जिसकी सतह पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो तीर्थ का मानसरोवर भी इसी पर्वत से लगा है। कैलाश को पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। आस्था के इस पर्वत का जैन धर्म में भी महत्व है। जैन धर्म के लोग इसे कैलाश अष्टपद कहते हैं। बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत का जिक्र आता है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव और ब्रह्मा ने यहाँ तप किया था। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। कहा जाता है कि कैलाश की परिक्रमा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मिलता है और शिव की सबसे बड़ी आराधना के लिए लोग उनके धाम यानी कैलाश के दर्शन करने के लिए खींचे चले आते हैं। कैलाश पर्वत की चार दिशाओं में एशिया की चार नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली नदियाँ निकलती हैं। कैलाश में ही मानसरोवर झील भी है। ये झील तकरीबन 320 वर्ग किलोमीटर में फैली है। झील के उत्तर में कैलाश पर्वत है। मान्यता है कि मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगीरथ की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने की थी। कैलाश पर्वत 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कैलाश की परिक्रमा सबसे निचली चोटी तारचेन से शुरू होती है और सबसे ऊंची चोटी डेशफू गोम्पा पर पूरी होती है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी आस्था में यकीन रखते हैं और भगवान शिव के भक्त भी माने जाते हैं। मोदी की आस्था और श्रद्धा इसी से जाहिर होती है कि वो चाहे नेपाल जाएं, जापान जाएं, मंदिरों में शीश झुकाते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन के साथ आस्था के नए रास्ते पर समझौता हो गया। भक्तों के कैलाश का नया द्वार खुल गया। ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आस्था में अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान शिव के भक्त भी माने जाते हैं। फिर चाहे देश हो या विदेश, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा की तो मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना नहीं भूले। जापान यात्रा पर गए तो मोदी ने बौद्ध मंदिर में भी आस्था से शीश झुकाया।
हम आपको बता दें कि जिस वक्त मोदी लोकसभा चुनाव की जंग लड़ रहे थे, उस वक्त भी वो देश के मशहूर मंदिरों के दर्शन करते हुए नजर आए। मोदी ने बालाजी के दर्शन किए तो वाराणसी में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ की चौखट पर मत्था टेकने पहुंचे। मोदी उज्जैन के महाकालेश्वर के भी दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने 2014 लोकसभा की लड़ाई शुरू करने से पहले माता वैष्णो देवी से आशीर्वाद लिया। आस्था की चौखट पर मोदी सदा से चढ़ते आए हैं और अब चीन से मोदी ने कैलाश के नए द्वार पर समझौता किया है। आज तक ब्यूरो।